हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं अपना फ़ोटो खुद का अपने मोबाइल से ही फ़ोटो को रिसाइज कैसे करेंगे, पासपोर्ट साइज में कैसे बनाएंगे। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो पहले से बना लेना है, क्रॉप कर लेना है। इसके बाद आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसका नाम है, यहाँ पे सर्च करेंगे फ़ोटो एंड रिसाइजर। फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर, इसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल पहले से कर चुका हूँ, इसलिए पहले यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपके मोबाइल में नहीं होगा, इंस्टॉल तो कर लेना। इसके बाद यहाँ पे हम ओपन करेंगे और ये ऐड आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर साइड देख सकते हो, फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट फ़ोटोज, जिस फ़ोटो को हम रिसाइज करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रोटेट और क्रॉप रिसाइज शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर क्रॉप करना है तो यहाँ पे क्रॉप में क्लिक करेंगे, जितना क्रॉप करना हो वह कर सकते हैं। यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा, रेशियो में कैसे चाहिए आपको वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फोर बाई फाइव करेंगे, और क्रॉप में क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी यह फ़ोटो का साइज 4.7 MB का है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रीसाइज जो ऑप्शन दिया है, रीसाइज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आना है, जितना KB या MB में लेना है, जैसे कि 100 KB से कम रहता है, फ़ोटो का साइज 50 से 100 KB के अंदर रहता है, या तो फिर 20 से 50 KB के अंदर रहता है, तो यहाँ पे हम कस्टम में क्लिक करेंगे। कस्टम में आने के बाद हम यहाँ पे 60 KB कर देते हैं। इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ऐड देखना पड़ेगा, ऐड देखने के बाद आपका फ़ोटो रिसाइज होके आ जाएगा। अगर आप डाटा ऑन नहीं किए हैं तो आपको यह ऐड देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रिसाइज सक्सेसफुल लिख चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 52 KB का रिसाइज आ चुका है। हम यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके देख सकते हैं, गैलरी में आके जो फ़ोटो हम रिसाइज किए हैं उसको यहाँ हम ऊपर जो डिटेल का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके देख लेंगे। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं 50 51.72 KB हो गया है, यानी कि यह हम इस फ़ोटो को हम उसमें कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें अपलोड कर सकते हैं, पर इस प्रकार फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। जो सामने फ़ोटो खींचा रहता है उसका बैकग्राउंड चेंज रहता है, वो पहले फ़ोटो को बना लेना है, इसके बाद रिसाइज। मैं यहाँ पे आपको रिसाइज करने का बताया हूँ, तो यहाँ पे आप भी अपना फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। और सिग्नेचर के लिए भी वैसे ही है, रिसाइज में आएंगे और यहाँ फाइल साइज KB वाले ऑप्शन में कस्टम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे 10 से 20 KB का सिग्नेचर रहता है, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर ले लेते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद हम यहाँ पे रिसाइज में क्लिक करेंगे और कस्टम में क्लिक करेंगे KB वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे हम करते हैं 19 KB। इसके बाद देख सकते हो यहाँ ऊपर 17 KB लिख के आ चुका है, यहाँ पे हमारा यह सिग्नेचर रिसाइज हो चुका है। इस प्रकार से आप भी अपना फ़ोटो सिग्नेचर रिसाइज कर सकते हैं।